पानीपत के हर गांव में BAMS डॉक्टर से एक बदमाश ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। इसके साथ डॉक्टर को पैसे देने के लिए 9 तारीख का वक्त भी दिया गया है। पैसे नहीं देने पर डॉक्टर समेत पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। वही डॉक्टर ने बताया कि धमकी को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया और जिस नंबर से धमकी मिली थी उसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद बदमाश से दोबारा से धमकी भरा मैसेज किया और 6 अलग अलग विदेशी नंबरों से 36 बार कॉल किया, जिसके बाद डॉक्टर ने उलाना चौकी में शिकायत दी और पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग। आइए आपको पीड़ित डॉक्टर से सुनवाते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सर, ये अननोन नंबर से फोन आया है और कोई मामला नहीं, बस डायरेक्ट धमकी मिली। धमकी में क्या बोला है? पहले उसने बोला डॉक्टर सतपाल बोल रहा है, मैंने बोला हाँ बोल रहा है, तो बोला 1 करोड़ रुपये चाहिए थे वैसे। तो मैंने सोचा कोई वैसे मजाक में कर रहा होगा, मान ले कोई बात नहीं, मान ले मैंने मजाक में लेकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर उसके फ़ोन बार बार 3-4 बार फ़ोन फिरा है, मैंने मैंने नहीं उठाया। उसके बाद उसके मैसेज आए, मैसेज में उन्होंने धमकी गई, गाड़ी गलोज किया, 9 तारीख तक का टाइम दिया बच्चों के किडनैप के बारे में मैंने लोगों का। तो उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया है, फ़ोन उठाने के बाद फिर उससे बात करी, गाड़ी गलोज पर और एक बार गाड़ी गलोज फोन उतरता रहा और 9 तारीख तक का टाइम दिया, 9 तारीख तक है वरना तेरे बच्चे को किडनैप कर लूँगा और तेरे को 9 तारीख तक मार दूँगा अगर मेरे पैसे नहीं दिए। ये बात पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सर, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपए भी मांगे हैं, लेकिन उसकी पुलिस रिकॉर्डिंग मांग रही थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी। अगर दोबारा आओगे तो वो पुलिस को वो भी मुआवजा करवा देंगे। बाकी जो रिकॉर्डिंग थी मैंने पुलिस को दे दी। कितनी बार कॉल किया? कल उसने मेरे से 36 बार तो 1 नंबर से किया है जो आउट ऑफ कंट्री था। उसके बाद 13-14 बार मतलब इंडिया के नंबर से अलग अलग 6 नंबरों से फ़ोन आया, 50 बार से ज़्यादा फ़ोन आया कल उसके। अच्छा, परिवार की सुरक्षा की चिंता आपको सता? हाँ बिल्कुल, परिवार के भी अपने भी चिंता बिल्कुल हरेक को सताती है, मेरे को भी सता रही। क्या किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह थी? बिल्कुल कोई रंजिश नहीं है और आज नहीं, मतलब 2-3 साल तक का भी मतलब रिकॉर्ड किसी के साथ मैंने कोई रंजिश नहीं है। कोई किसी के साथ पैसे का लेन देन हो? किसी के साथ पैसे का उन्होंने कोई पैसे की सिर्फ फ़ोन उठाते पैसे मांगे हैं? पहले फ़ोन उठाते पहला शब्द उसका यही था डॉक्टर। वही डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जाँच करना शुरू कर दी है। पुलिस ने प्राथमिक जाँच के आधार पर मीपा बदमाश पर धमकी देने का शक जताया है। चौकी इंचार्ज प्रदीप ने बताया कि फिलहाल डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कॉल को ट्रेस कर बदमाश को जल्द ही पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। सर, कल सतपाल सनो पे रामचंद्र वासी द्वारा जिसने एयर चौक के पास शांति हॉस्पिटल बना रखा है उसके पास फोन आया है, बाहर से विदेश का नंबर है। उसमें ये कहा गया कि मेरे को धमकी दी गई है भाई जान से मारने की, लेकिन 1 करोड़ वाली बात कोई रिकॉर्डिंग में सामने नहीं आई है और उसकी कॉल डिटेल हमने लगवा दी है। जैसी ही कॉल डिटेल आएगी पता चलेगा, आगामी कार्रवाई मलम लाई जाएगी। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई और आपको प्राथमिक तौर पर क्या इसमें लगता है कि ये धमकी किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है? ये तो कुछ लगा हिसाब नहीं लगा जा सकता इसका, क्योंकि बाहर से है, मैंने सुनने में आया भाई उन्हें पहले भी किसी को धमकी दी इस प्रकार की, जिसकी आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे कोई मीपान आप पर लड़का हो, लेकिन उसका जब तक हमारी कॉल डिटेल और आईडी नहीं आएगी जब तक हम पता नहीं लगा सकते। इसमें पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया सर? हाँ, इसमें कल कंप्लेंट दी थी और मुकदमा दर्ज कर दिया इसे और तफ्तीश SI चंदीराम द्वारा मुंबई जा रही है। आपको बता दें कि मीपा बदमाश बीते दिनों से पहले प्रदेश के CM मनोहर लाल को भी धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद डॉक्टर से विरोधी मांगी है। पीड़ित डॉक्टर पिछले 20 सालों से अहर गांव में अस्पताल चला रहा है। बताया जा रहा है कि उसका किसी के साथ कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है और ना ही कभी किसी के साथ उसका कोई विवाद हुआ है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस धमकी देने वाले आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। पानीपत से सचिन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।